बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शारबीन टाइम्स बुलेटिन में आपका खैर मकदम। शारबीन टाइम्स वादिया कश्मीर की अपनी आवाज़ है। इस आवाज़ को हर घर तक पहुंचाने के लिए आप हमारी न्यूज़ को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते हैं, जो ये लाल बटन है कैसे दबाइए। इस लाइव प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी माइक्रोमाइंड्स, एम यासर टूर एंड ट्रैवल्स और यम्बरजल चाय बनाने वाली कश्मीर की कंपनी का इश्तराक है, जिनका कहना है कि यम्बरजल चाय आसाम के बागों के अंदर ही पैक की जाती है ताकि इसकी ताजगी को बरकरार रखा जाए। एक बार पीने वाला बार बार पीने की ख्वाहिश जाहिर करता है। नाज़रीन, शहरबीन टाइम्स में आपका खैर मकदम। शहर में चंद घंटों की बारिश ने एक बार फिर इंतजामिया के तमाम दावों की पोल खोल दी। निकासी आब का सही इंतजाम न होने की वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया और सड़कें तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। बुध और जुमेरात की दरमियानी रात को शुरू हुई बारिशें जो वक्फे वक्फे से अभी तक जारी हैं और चंद घंटे की तेज और मौसूलादार बारिशों से शहर की सड़कें और गली कोचे तालाब का मंजर पेश करने लगे, जिसके नतीजे में शहर के स्कूलों में हाजिरी कम रही जबकि कई इलाकों में दुकानें भी ताखीर से खुली। तेज हवाओं और शदीद बारिशों से मुतैद इलाकों में बिजली सप्लाई भी मुतासर रही। शहरी खास के नवपुरा, सफ़क कदल, सराफ कदल, ईदगाह, रानावारी, नालामा रोड, सवरा, मलबाग, औंतबाउन, नौशहरा के अलावा समंदराबाग, बरबरशाह और देगर कई इलाकों की सड़कें और गली कोचे भी पानी से भरे रहे। सिविल लाइन्स इलाके जिनमें जहांगीर चौक, कंटागर, कुकर बाजार, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, बदमालू, सरायबाला, पोलोव्यू, रेजिडेंसी रोड, रिगल चौक, सोनेवार, इंदिरा नगर, शिवपुरा, डलगेट, कुरसू, राजबाग के साथ साथ नटीपुरा, छानपुरा, पारिमपुरा, हमदानिया कॉलोनी, मुस्तफाबाद, HMT और देगर इलाकों में सड़कें जेर आब आ गई, जिसके नतीजे में राहगीरों के साथ साथ गाड़ियों को भी चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि मुतायद सड़कों पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर भी देखने को मिले, जिसके नतीजे में तलबा, मुलाजमीन और देगर कारोबारी इदारों से वाबस्ता लोग वक्त पर अपनी मंजिलों पर न पहुँच सके, जबकि कई इलाकों में मुलाजमीन और स्कूली बच्चों को जूते उतार कर पानी से गुजर कर अपने अपने मुकाम पर जाते हुए देखा गया। अवामी हलकों का इल्ज़ाम है कि शहर के अक्सर इलाके इस वक्त बगैर ड्रेनेज सिस्टम के हैं और जिन इलाकों में गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, ताहम वो बेहतर हालत में नहीं है। लोगों का कहना है कि नाकस मनसूबाबंदी की वजह से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से मफलूज हो चुका है और यही वजह है कि शहर में मामूली बारिश से ही गली कोचे पानी से भर जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शारबीन टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शारबीन के मेंबर बनिए, आपको सिर्फ क्या करना है कि सब्सक्राइब का बटन दबाना है और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबाना है ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन वक्त पर आया करेगी।